गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों देखिए ये आपका चैप्टर वन जो है द सेंटेंस, आज हम लोग इसके विषय में इसको एक्सप्लेन करेंगे। सेंटेंस क्या होता है ये आज हम आपको बताएंगे। इसको हिंदी में बच्चों वाक्य बोलते हैं। देखिए, व्हेन वी कम्युनिकेट विथ ईच अदर वी एक्सप्रेस अवर थॉट्स एंड आइडियाज थ्रू वर्ड्स विच मेक कम्प्लीट सेंस जब हम एक दूसरे के साथ अपने विचारों को और बातों को, जो भी हमारे विचार हैं, थॉट्स हैं, उनको हम एक दूसरे को देते हैं, तो हम क्या करते हैं, शब्दों के द्वारा बोलकर कहते हैं हम लोग। तो विच मेक कम्प्लीट सेंस, जो कि पूरा एक अर्थ होता है, जिसका कि एक जो पूरे वो जो शब्दों का समूह है, वर्ड्स का, उसका पूरा वो मीनिंगफुल एक बन जाता है। जो कि हमें बात कहनी है तो हम अपनी भाषा में उसको एक प्रॉपर ऑर्डर में कहते हैं, यही सेंटेंस कहलाता है। इसको डेफिनेशन के लिए इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कम्प्लीट सेंस। एक सेंटेंस शब्दों का एक समूह होता है जिसका कि कंप्लीट एक अर्थ होता है। इट कंटेन्स अ वर्ब एंड अ सब्जेक्ट। ये इसमें क्या होता है, एक वर्ब होता है और एक सब्जेक्ट होता है। रीड दिस सेंटेंसेस, देखिए कुछ हम सेंटेंस पढ़ेंगे। आई हैव माई फ्रेंड्स, मैं अपने मित्रों, मैं अपने मित्रों के साथ हूँ। आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलना पसंद करता हूँ। प्रॉपर ऑर्डर में एक प्रॉपर जो सेंटेंस है वो इस तरीके से बनाया जाता है। माई अंकल लिव्स इन कोलकाता, मेरे अंकल जो हैं वो कोलकाता में रहते हैं। दिस इज़ अ न्यू मार्केट, यह नया बाजार है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कम्प्लीट सेंस। इट स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर, ये हमेशा एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। इट एंड्स विथ अ फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। इन सम सेंटेंसेस देयर इज एन ऑब्जेक्ट और द पर्सन और थिंग दैट अंडरगोज द एक्शन। तो इस तरीके से बच्चों ये सेंटेंस की डेफिनेशन है और इसके ये एग्जाम्पल हैं। तो और इसके बाद देखेंगे हम लोग इसके काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के प्रकार, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर फोर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। आपकी क्लास में अभी चार प्रकार के सेंटेंस के विषय में आपको बताया जाएगा कि चार प्रकार के सेंटेंस कौन कौन सी हैं। इसमें सबसे पहला होता है एसर्टिव सेंटेंस, दूसरा इसमें है इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, तीसरा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और चौथा एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंसेस। तो देखिए सबसे पहले एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। सेंटेंसेस दैट मेक अ स्टेटमेंट आर नोन एज डिक्लेरेटिव और एसर्टिव सेंटेंस। एवरी एसर्टिव सेंटेंस एंड विथ अ फुल स्टॉप। जो एसर्टिव सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, साधारण वाक्य होता है, स्वीकारात्मक। ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। द स्कूल रीओपन्स टूडे, स्कूल आज पुनः खुलता है। ही कैन नॉट डांस, वह डांस नहीं कर सकती। वह डांस नहीं कर सकता। शी इज़ नॉट वेल, वह स्वस्थ नहीं है। तो इसमें देखिए एफर्मेटिव जो है, एफर्मेटिव में क्या है, जो साधारण वाक्य है उसमें जिसे स्वीकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, और नेगेटिव में नकारात्मक होता है। ठीक है, ये सकारात्मक और ये नकारात्मक वाक्य दो प्रकार के एसर्टिव सेंटेंस हो सकती हैं। तो क्या है, सो एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस आर टू टाइप्स, नेगेटिव और एफर्मेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंसेस एफर्म्स अ प्रपोजिशन, एफर्मेटिव और पॉजिटिव। इसमें देखिए इट कन्वेज पॉजिटिव रिस्पॉन्स और मीनिंग, और नेगेटिव इट कन्वेज नेगेटिव रिस्पॉन्स और मीनिंग।
ये स्वीकारात्मक है, ये नकारात्मक है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो इसमें देखिए एफर्मेटिव के कुछ एग्जांपल, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट क्रिकेट। इसको इस तरीके से देखिए, मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ, मैं क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करता हूँ, इसमें नॉट आ गया तो ये निगेटिव हो गया। पर ये है कैसा, ये असर्टिव सेंटेंस के ही दो अलग अलग रूप हैं। डू यू स्टडी इन कॉलेज, क्या तुम कॉलेज में पढ़ते हो। आई डोंट स्टडी इन कॉलेज, मैं कॉलेज में नहीं पढ़ता हूँ। तो इस तरीके से असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एफर्मेटिव और निगेटिव। तो इस तरीके से बच्चों, अभी आपने इसमें से एक सेंटेंस के विषय में हमने आपको इस वीडियो में समझाया है। इसके बाद हम आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस के विषय में अगले वीडियो में बताएंगे।